नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी रेसिपी। दोस्तों चिकन तो आपने बहुत खाया होगा, परंतु तो इतना स्वादिष्ट चिकन आपने कभी नहीं खाया होगा। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, बिल्कुल फ्रेश मार्केट से लेकर आए हैं। इसे पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 टमाटर जिनको हमने कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज इनको भी कट कर लिया है, 4 से 5 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है, और ये हरा धनिया लिया हमने, और ये देखिए हमने मैगी मसाला लिया, ये भी डालेंगे इसके अंदर 1 पाउच, और ये अन्य मसाले हैं मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो चलिए गैस को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुकर को गैस पर रख दिया है, कुकर बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसके अंदर का जो पानी है वो सूख चुका है बिल्कुल। अब डालेंगे सबसे पहले इसके अंदर हम सरसों का तेल। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 बड़ी वाली चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच डाल दिए और एक और डाल देंगे। ये देखिए, 2 बड़ी वाली सरसों की तेल की चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। इस तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, तेल जो है वो 2 से 3 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब डालेंगे हरी मिर्ची, अब डाल देंगे प्याज, हरी मिर्ची और प्याज जो हमने डाल दिए हैं इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्ची और प्याज जो है थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब डाल देंगे सबसे पहले इसके अंदर जो है हल्दी पाउडर हम, तो ये देखिए इतना हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी को मिक्स कर देंगे अच्छे से, हल्दी को पका लेना है। हल्दी पक चुकी है, अब डालेंगे मिर्ची पाउडर छोटी वाली जो है, 3 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और 3 चम्मच ही डाल देंगे धनिया पाउडर। अब डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, तो ये देखिए आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया नमक। इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाला बिल्कुल पक चुका, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है पानी डाल देंगे, ताकि गर्म तेल के अंदर मसाला जो है वो जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है वो लगभग पक चुका है। अब डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए टमाटर मिक्स हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल पक चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, अब डालेंगे इसके अंदर चिकन जो हमने वॉश कर रखा है। और चिकन को मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए चिकन को जो है मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसे 2 से 3 मिनट तक जो है मीडियम फ्लेम पर आग पर पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुका है चिकन के अंदर। अब डाल देंगे लगभग आधा लीटर पानी। तो ये देखिए, यहाँ पर आधा लीटर पानी हमने डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी हमने डाल दिया है। अब इसको कुकर को ऊपर से ढक्कन लगाकर 3 सीटियाँ लगवाते हैं। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सीटियाँ लगने देते हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, 3 सीटियाँ लग चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।